गाइस, क्या आपने कभी ये सोचा है कि डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करने पर डोमिनोज वाले आपको जरूरत से ज्यादा चिली फ्लेक्स और ओरेगानो फ्लेक्स क्यों दे जाते हैं? पड़ गया ना सोच में। चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये सब डोमिनोज जानबूझकर करता है और ये उसकी खास तरीके की प्लानिंग भी होती है, जिसे हम मार्केटिंग लैंग्वेज में परचेज ट्रिगर कहते हैं। और इसमें होता है ये कि जब आप डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करके खा चुके होते हैं और उन बचे हुए पैकेट्स को अगली बार यूज करने के लिए रख देते हैं, तो अब आप जितनी बार भी उन पैकेट्स को देखोगे तो आपको पिज्जा की याद आएगी और खाने का मन होगा। फिर भले ही आप पिज्जा तुरंत ना मंगवाओ, लेकिन कुछ टाइम बाद आप जरूर मंगाओगे। गाइस, मतलब यह है कि डोमिनोज उन चिलीज और ओरेगानो फ्लेक्स के जरिए आपके दिमाग की साइकोलॉजी से खेलता है, ताकि आपको उन पैकेट्स को देख-देख कर सिर्फ पिज्जा की याद आए। है ना गजब का दिमाग। वैसे गाइस, आपका डोमिनोज की इस बिजनेस टैक्टिक के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार एक पत्रकार ने महात्मा गांधी से एक सवाल पूछा कि बापू, हिंदुस्तान की आजादी को लेकर आपके मन में क्या सपना है? तो गांधी जी ने उस पत्रकार को जवाब देते हुए कहा कि अंग्रेज चाहे तो हिंदुस्तान में रहें, लेकिन उनकी बनाई हुई अंग्रेजियत इस देश से जरूर जानी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों से ज्यादा उनकी अंग्रेजियत ने देश को बर्बाद किया है, और अगर उनकी अंग्रेजियत यहां से नहीं गई तो यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब उस पत्रकार ने फिर से एक सवाल पूछा कि बापू, आपके हिसाब से आखिर अंग्रेजियत है क्या? तो गांधी जी ने जवाब दिया कि अब तक अंग्रेजों ने जो भी नियम कानून और व्यवस्थाएं बनाई हैं, वो सब अंग्रेजियत है, इसलिए उसे खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हुआ क्या कि आजाद होते ही गांधी जी तो चले गए, अंग्रेज भी चले गए, लेकिन वो अंग्रेज जाते जाते अपनी अंग्रेजियत छोड़ गए, जिसका परिणाम आज भी हमारा देश भुगत रहा है। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि गांधी जी का ये सपना कभी पूरा हो पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।